राधे। और अभी मैं जस्ट मंदिर से होके आई हूँ और टाइम हो रहा है, करीब 11 बज गया है। मंदिर से आके भगवान भोलेनाथ की पूजा करके किचन में बस अपने लिए पराठा सेक रही हूँ, और इनके लिए मैंने ब्रेड सेकती थी। ब्रेड नाश्ते में वो ब्रेड कर रहे हैं और मैं पराठा, एक पराठा खाऊंगी। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में कोई भी रूटीन नहीं शेयर करूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ में डोसे की रेसिपी शेयर करूंगी, और बहुत टेस्टी बनता है डोसा और अच्छे से बन जाता है। और ये पीछे आप तवा देख रहे हैं ना, ये स्टैंड में, तो ये डोसे वाला ही तवा है। उसको आज निकाला था क्योंकि जब कभी डोसा बनता है ना तो डेली यूज में नहीं रखती ये वाला तवा, तो आज मैंने इसको निकाला हुआ था। तो चलिए अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लूँ मैं, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में आज डोसे की रेसिपी शेयर करूंगी। प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं मैं कैसे क्या करती हूँ। और यहाँ मेरा पराठा सिक रहा है। तो ये है उड़द दाल, काली वाली उड़द दाल ली है मैंने, और ये एक दिन पहले रात में मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। वैसे तो दालें बिल्कुल साफ़ रहती हैं, लेकिन एक बार फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए अच्छे से देख लेना ज़्यादा ठीक रहता है। तो रात को मैं ये एक दिन पहले उड़द की दाल, चावल, ये सब चीज़ें अलग अलग भिगो रही हूँ ताकि ओवरनाइट ये अच्छे से भीग जाए। उड़द दाल मैंने भिगो दी है। यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं चावल, मैंने चावल लिए हैं 4 कप, और मेथी दाना 1 चम्मच, और चने की दाल मैंने ली हुई है आधा कप। उड़द दाल मैंने 2 कप ली हुई थी क्योंकि छिलके वाली दाल है, तो छिलके जब हटेंगे ना तो उड़द दाल चावल की क्वांटिटी में कम पड़ेगी, इसीलिए मैंने 2 कप उड़द दाल, 4 कप चावल लिए, साथ में आधा कप चने की दाल है और 1 चम्मच मेथी दाना है। मेथी दाना जो उड़द दाल में जो बादी होती है ना, बादीपन को मारता है और डोसा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। तो दाल बहुत अच्छे से भीग गई है, तो यहाँ पर मैं दाल चावल को अच्छे से वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद में इनका बढ़िया सा मैं पेस्ट बना लूँगी स्मूथ सा। दाल को वॉश करने के बाद में दाल के मैं छिलके हटाऊँगी। तो ये देखिए दाल के छिलके मैंने हटा दिए हैं। अब इनको मैं अच्छे से इनका बढ़िया फाइन पेस्ट बनाऊँगी स्मूथ वाला एकदम से। तो ये देखिए बढ़िया सा बैटर जो है ना हमारे डोसे के लिए वो लगकर तैयार हो गया है, और अब मैं इसको 7-8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दूँगी। तो अब इधर मैं तैयारी कर लेती हूँ। ये दिन की क्लिप है, वो मॉर्निंग में मैंने सारा बैटर वगैरह मिक्सी से ग्राइंड करके रखा हुआ था फर्मेंट होने के लिए, लेकिन ये दिन की क्लिप है करीब 2 बजे की। तो अब मैं सांभर वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है जब इस तरह से कुछ बनाते हैं ना, तो पूरा दिन तैयारियों में निकल जाता है। सांभर के लिए मैंने सब्जियों में लिया हुआ है कद्दू है, लौकी है, गाजर है, बैंगन है, और येलो वाली दाल है, तुअर दाल है। तो बस सांभर को बॉईल होने के लिए रख दूंगी दाल के साथ में सब्जियां डालकर। उसमें मैंने हल्दी और नमक डाला हुआ है। अब इधर पे मैं चटनी बना लेती हूँ। डोसा बनाए और साथ में नारियल की चटनी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये चटनी ना बहुत ज़्यादा फायदा करती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है। तो देख लीजिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है। मूंगफली के दाने हैं, नारियल है, कच्चा वाला नारियल लिया है, करी पत्ता लिया हुआ है मैंने, और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया लिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैं मूंगफली के दानों को अच्छे से रोस्ट करूँगी, और रोस्ट करने के बाद साथ ही साथ में इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। और मैंने ना कढ़ाई में ऑयल लिया हुआ था, मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ था, आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। तो जब मूंगफली के दाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो हरी मिर्च ऐड कर दी है, साथ ही साथ इसमें मैंने अदरक ऐड कर दिया है, लहसुन की कलियाँ ऐड कर दी हैं, और ये जो चटनी है ना वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और ये बिल्कुल एकदम होटल स्टाइल में बनेगी, जैसे हम लोग होटल में खाते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह में, बिल्कुल वैसी ही चटनी बनेगी। साथ ही साथ मैंने इसमें भुने हुए जो चने आते हैं ना वो ऐड कर दिए, इससे ना चटनी बहुत बढ़िया एक फ्लेवर भी आता है और एकदम चटनी में एक बाइंडिंग हो जाती है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कच्चा वाला नारियल। नारियल ऐड करने के बाद में बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट होना है, करीब 2 से 3 मिनट तक इसको रोस्ट करना है।
तो जो नारियल की चटनी का प्रोसेस है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक प्लेट में हम ये जो सारा सामान है ना इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम चटनी इसकी पीस लें। तो ये देखिए पूरा ये जितना भी मटेरियल है सारा ठंडा हो चुका है। मैंने इसको एक मिक्सी ग्राइंडर जार में लिया हुआ है और अब इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया। हरे धनिया से बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा और साथ ही साथ कलर भी आएगा। चलिए अब नारियल की चटनी में छौंक लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हुए हैं सरसों के दाने, मस्टर्ड ऑयल में से मैं छौंक लगा रही हूँ सरसों के दाने, सूखे हुए लाल मिर्च, करी पत्ता और बस अब हम इसमें बढ़िया सा ये छौंक लगा देंगे। आप इसमें धुली हुई जो उड़द दाल आती है वो भी ऐड कर सकते हैं छौंक में, वो कंपलसरी है। मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं ऐड की हुई है। और साथ ही साथ छौंक में आपको चने की दाल भी ऐड करनी है। और ये देखिए बढ़िया वाला तड़का लग गया है और जब चटनी देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग। चलिए अब यहाँ पर जो डोसे का मसाला बनता है उसको भी तैयार कर लेते हैं। सेम कढ़ाई लिया है मैंने, इसी कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है हींग और जीरा और साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया हुआ है करी पत्ता। मूंगफली के दाने ऐड कर दिए हैं, जैसे ही मूंगफली के दाने थोड़े से भी रोस्ट हो गए हैं ना तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज। प्याज मैंने थोड़ा ज़्यादा सा ही ऐड किया हुआ है, साथ ही साथ हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। और प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर, टमाटर बारीक चॉप करके ऐड करना है। मसाले ऐड कर देंगे क्योंकि प्याज को टमाटर को बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं भूनना है, बस ना इसमें थोड़ा सा सॉटी करना है। सेना नमक ऐड कर दिया है क्योंकि मेरे घर में हमेशा सेना नमक यूज़ होता है। साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और आप इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर देंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, मैगी का मैजिक मसाला। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद में थोड़ा सा अमचूर भी ऐड किया हुआ था, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, सारा कुछ ऐड करने के बाद में आलू ऐड कर देंगे। इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद में हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो ये रहा हमारा डोसे का मसाला, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। चलिए बारी आती है फाइनली सांभर की। तो ये देखिए सब्जियाँ जो मैंने बॉयल की हुई थी बहुत अच्छे से बॉयल हो गई हैं। इनको मैं बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ना सब्जियाँ थोड़ी सी मतलब पीसेस में अच्छी लगती हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा ही घोटूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं घोटूंगी। तो चलिए यहाँ पर छौंक की भी तैयारी कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है, मैंने इसमें राई का तड़का दिया हुआ है, हींग का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो हींग मैंने थोड़ी ज़्यादा सी ऐड की है। और अब मैंने इसमें लहसुन, प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दिया है। इनको अच्छे से भूनने के बाद में इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और अब साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे नमक ताकि जो टमाटर है ना बहुत अच्छे से गल जाए, क्योंकि हम बना रहे हैं सांभर तो थोड़ा सा टमाटर गला हुआ इसमें अच्छा लगेगा। मसाले ऐड कर देंगे, सांभर मसाला ज़रूरी है ऐड करना और आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि सारे मसालों का टेस्ट मिलता जुलता रहता है। यहाँ पर अगर आपके पास में उड़द दाल है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, मेरे पास नहीं थी तो मैंने चटनी में भी नहीं ऐड की है, इसमें भी नहीं ऐड की है। और कश्मीरी लाल मिर्च डालना बिल्कुल भी ना भूले, उससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और सांभर मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। और ये देखिए यहाँ पर टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और अब इन्हें मैं मैशर की हेल्प से हल्का हल्का इस तरह से प्रेस कर लूँगी ताकि ये थोड़े अच्छे से घुट जाएँ। कुछ भी इस तरह से जब भी आप घर में बनाइए ना तो पूरा दिन लग जाता है, ख़ास तौर से इस तरह की चीज़ें जिनका बैटर वगैरह हमें फॉर्मेट करना होता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से सारा मसाला वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, टमाटर अच्छे से घुट गए हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे सांभर जो हमने बना के रखा हुआ था, सॉरी दाल और सब्ज़ियाँ। इनको ऐड करने के बाद में यहाँ पर देखिए पानी नहीं है बिल्कुल भी इनमें, तो ग्रेवी थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है सांभर में। तो यहाँ पर कुकर में मैंने पानी गरम करके ही ऐड किया हुआ है और आप भी पानी कुकर में गरम करके ही ऐड कीजिएगा, फिर ना एक अजीब सा फ्लेवर रहता है। बाद में आप इसको कितना भी बॉईल कर लो लेकिन वो बात नहीं आती है, तो मैंने इसमें गरम करके ही पानी ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हम ऐड कर देंगे इमली का पल्व। तो चलिए अब सांभर को करीब 5 मिनट के लिए अच्छे से बनने देंगे, पकने देंगे, करने देंगे। वैसे तो ये पका हुआ है
लेकिन अभी इसमें पानी ऐड किया है ना, तो इसको और अच्छे से पकने देंगे। तो ये देखिए सांभर हमारा बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है। अभी आपको इसमें हल्का सा झाग झाग सा दिख रहा है क्योंकि दाल और सब्जियां वगैरह एक साथ ऐड की हुई है ना, तो थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये हमारा परफेक्ट सांभर बनके रेडी हो गया है। सब्जियां आपको बहुत ज़्यादा घुटी हुई पसंद है तो आप इनको और ज़्यादा मैश कर लीजिएगा। मुझको पीसेज में अच्छी लगती तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। तो ये रही डोसे का बैटर, तो आप लोग देख लीजिए बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है ये देखिए, और एकदम बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है इसका ये देखिए। इसमें अभी हमको थोड़ा सा पानी ऐड करना है और थोड़ा सा नमक ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है, बिल्कुल हल्का सा नमक ऐड करना है। और डोसा बनाने के लिए इसका थोड़ा सा पतला करना ज़रूरी है बैटर को, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके, और इस पहले तो मैं इसको अलग निकाल लूँगी एक बर्तन में क्योंकि काफ़ी सारा बैटर है ना, तो इस वजह से बाद में इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। चलिए अब बनाते हैं डोसा। अभी आप लोग देख रहे होंगे ये जो तवा है ना, बहुत ज़्यादा जला जला सा लग रहा है, क्यों लग रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट डोसा मैंने इसमें ट्राई किया, डोसा तो अच्छे से बन गया लेकिन मैं गैस को ऑफ करना भूल गई और मैं अपने बाकी के कामों में लग गई। करीब एक घंटे बाद मुझे याद आया धीमी आँच में मैंने फ्लेम को कर रखा था, तो बस इसी वजह से ये हालत हो गई तवे की। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। डोसा बनाने से पहले तवा जब गर्म हो जाए ना तो उसमें पानी के छींटे मारना ज़रूरी है, इससे ना आपका डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत बढ़िया बनके तैयार होगा। पानी के छींटे मारने के बाद में इसमें अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेना है, और ये रहा मसाला। अब इसके ऊपर हम मसाला फैलाएंगे अच्छे से दबा दबा के, ये देखिए। और डोसा जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसमें आप मसाले में मूंगफली के दाने ज़रूर ऐड कीजिएगा, जो उसका टेस्ट आएगा ना उसके बाद आप लोग भी तारीफ करेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए ये रहा हमारा सेकंड डोसा। फर्स्ट डोसा तो जल गया था और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, लेकिन बना बिल्कुल फाइन था, बढ़िया बन गया था। बस मैंने उसको ट्रायल के लिए डाला हुआ था और उसके बाद मैं भूल ही गई, तो मेरे तवे की भी ये हालत हो गई। ये देखिए, कोई कह सकता है ये डोसा घर में बनाया हुआ है? बिल्कुल बाजार जैसा डोसा बना हुआ है, कितने बढ़िया से छेद छेद से हुए हैं डोसे में और ईजिली एकदम बढ़िया सा उठ गया है, तवे से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है। तो चलिए नेक्स्ट डोसा बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए कितना ईजिली, ये देखिए तवे पे मैं इसको फैला रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है किसी भी तरीके से। लेकिन हाँ, जब मैं डोसा फैलाती हूँ ना तवे पे तो फिर मैं गैस को बिल्कुल ऑफ कर देती हूँ। इसलिए ऑफ कर देती हूँ कि जब डोसा तवे से हटाते हैं ना तो हाई फ्लेम पर कर देते हैं ताकि वो अच्छा सा क्रंची हो जाए। तवा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो ये कुछ इस तरह से ट्रिक्स होती हैं और खाना बनाने की, जिनको ना छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके हम लोग भी अपना खाना, नाश्ता, डोसा जो कुछ भी है बढ़िया सा बना सकते हैं। ये रहा सेकंड डोसा, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया ये भी बन के तैयार हुआ है और कितनी बढ़िया जाली बनी हुई है। डोसे का जो बैटर होता है ना उसको बहुत अच्छे से फर्मेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड डोसा भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। चलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा पानी के छींटे मार लेते हैं और फिर ऑयल ग्रीस कर देते। अब यहाँ पर हम तीसरा डोसा भी बना लेते हैं, उसके बाद में हम आपको अपना डोसे की पूरी प्लेट लगा कर दिखाते हैं। तो है ना कितना यमी, कितना टेस्टी, बढ़िया वाला एकदम डोसा बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो दोस्तों खाना बनाते समय ना छोटी छोटी टिप्स का फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमारा खाना कभी भी नहीं बिगड़ेगा। और लापरवाही जैसे मैंने की है ना, डोसा फैला के मैं भूल गई गैस के फ्लेम को ऑफ करना, आप लोग बिल्कुल भी ऐसी लापरवाही मत कीजिएगा। हालाँकि मेरा सारा काम अच्छे से हो गया, डोसा भी टेस्टी बन गया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए बढ़िया बढ़िया डोसे बनते जा रहे हैं ना, मैं आपके सामने तीन चार डोसे बना चुकी हूँ, एकदम बढ़िया वाले डोसे बनते जा रहे हैं। फाइनली हमारी प्लेट लगकर रेडी हो गई है। ये रहे हमारे डोसे, साउथ इंडियन डोसे। कैसे लग रहे हैं? मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। चटनी कैसी लग रही है, सांभर कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं ना कल तक अब ये डोसे एंजॉय करने वाली हूँ, कल मैं बनाऊँगी पेपर डोसा, आज मैंने ये बनाया हुआ है। बाय बाय।